नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अभिषेक फ्रॉम ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे लॉन्च का प्रो वर्जन 5 का न्यू जनरेशन, जो SE बोलते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन। ये एक्चुअली लॉन्च प्रो का जो वर्जन 5 है, वर्जन 5 मीन्स कि जो पूरे कनेक्टर के साथ आते थे वो कंपनी ने पूरे कनेक्टर के साथ अभी माल इंडिया में आना बंद कर दिया, क्योंकि वो जितने भी कनेक्टर थे ओल्ड गाड़ियों के थे, 1990 का, 95 का, 1985 का गाड़ियां, वो पुराने कनेक्टर्स हमारे इंडिया में यूज नहीं होते थे। तो उस जो मॉडल को है वो इंडिया में डिसकंटिन्यू एक तरह से कर दिया, और फिर उन्होंने नए एक पैकिंग इंडियन वर्जन के लिए निकाल दिया विदाउट कनेक्टर। हालांकि डिवाइस जो टैबलेट है वो सारी चीजें वही है दोस्तों, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं नए दोस्तों को, हमारी कंपनी के टोटल 4 ब्रांच है अभी इंडिया में, और ये फर्स्ट मेन जो ब्रांच है वो तिलक नगर दिल्ली के अंदर है दोस्तों। सेकंड ब्रांच है JSS स्कूल रोड HBR लेआउट बेंगलुरु के अंदर, और थर्ड ब्रांच है BIP बस स्टैंड में केस्टोपुर कोलकाता के अंदर दोस्तों। एक ब्रांच है हमारा संबा टिम्बर मार्केट है कंकड़बाग रोड पटना के अंदर। ये 4 ब्रांच है, चारों ब्रांचेस के नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप नियर बाई ब्रांच पे कॉल कर सकते हैं, ऑफिस टाइम में डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी स्कैनर हो, प्रोग्रामर हो, या कोई भी चीजें हो आप डायग्नोस्टिक टूल से रिलेटेड, आप परचेज कर सकते हैं। फिजिकली विजिट करने से फायदा ये रहता है हमारी कंपनी से कि आप उस प्रोडक्ट को फिजिकली देख सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। यहाँ इसमें क्या है, दूसरा एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इसमें कोई एजेंट या कोई कमीशन, कोई टीम नहीं है कि आपके पास डेमो देने आया हुआ है। तो इस तरह से है कि हमारी कंपनी डायरेक्ट काम करती है, उसमें रेट में आपको काफी जेन्युइन मिल जाता है कि बहुत ही चीप और अच्छे रेट पे मिल जाता है। एक तो ये प्रोडक्ट रजिस्टर होता है, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी, सारी चीजें इसमें रजिस्टर के टाइम में रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफिल करते हैं हम लोग, ताकि आपके नाम से ये रजिस्टर हो। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर दें, और सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। हमारी कंपनी ऑटो डायग्नोस्टिक टूल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाती है, आप YouTube के चैनल में हमारे सारी वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो अनबॉक्सिंग का है और ये फरवरी 2023 का वीडियो है। हो सकता है कि इन फ्यूचर वीडियोस आप देख रहे हैं और उस टाइम करंट मार्केट में लॉन्च ने कोई और प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, मार्केट में कोई और प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो ये वीडियो देखने का मतलब है कि डेट और टाइम भी देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो ये फाइनली बॉक्स की अगर साइज की या वेट की बात करें तो ये 3 kg के अप्रोक्स में उन्होंने कर दिया। हालांकि प्रो के जो वर्जन 5 फुल बॉक्स पैकिंग में थे, उन्होंने क्या किया कि वो 5-6 kg का था। जो वर्जन 4 आया करते थे मार्केट में, जो बंद हो चुके अभी, उसका फाइनल वेट था 7-8 kg का। तो साइज जो है छोटी करती जा रही है कंपनी। आपने देखा होगा कि एक स्टूल का PS70 आता है, बिल्कुल छोटा सा साइज में आता है, उनमें एक केबल होता है। तो देखा जाए एक स्टूल का जो PS70 में जो जो आइटम्स हैं, वही आइटम इन्होंने ये कि PS70 एक केबल के थ्रू डिवाइस है, ये विदाउट केबल है, वायरलेस। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो वायरलेस टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है, इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये लॉन्च कंपनी है, हमारी कंपनी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है लॉन्च के, और पैन इंडिया हम लोग काम करते हैं दोस्तों। आप नियर बाई ब्रांच पे जाने से बेनिफिट हो जाता है कि कोई एजेंट नहीं, कोई कमीशन दलाल वाला बंदा बीच में नहीं है, आप डायरेक्ट ले रहे हैं। यही रेट आप किसी ऐसे बंदे से ले रहे हैं जो बंदा आपसे टोकन एडवांस मनी मांग रहा है और 2-4 दिन के बाद आपको माल देने के लिए कह रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कोई कंपनी का पर्सन नहीं हो सकता है या कोई कमीशन या एजेंट होगा। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आप कोशिश करें, टाइम निकालें, अपना टाइम दें और ऑफिस में जाएं, विजिट करें। ये देखिए इतनी बड़े अमाउंट का प्रोडक्ट है, अप्रॉक्स 80-85 हज़ार का आइटम है ये, और इसके लिए आप टाइम देंगे तो आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगा। थोड़ा सा भी कोई चीटिंग कर सकता है, ईमेल आईडी अगर हमने किसी और का डाल दिया या अपना डाल दिया, तो जाहिर सी बात है ईमेल आईडी डालने से ये होगा कि रजिस्ट्रेशन का जो भी एक्सेस लेना है, पासवर्ड का एक्सेस लेना है, वो उनके पास हो जाती है। तो इसीलिए इसमें ईमेल आईडी जब भी कोई परचेज करता है उनका हम लोग डालते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड हमारे कस्टमर खुद बना सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो आप खुद कर सकते हैं,
ये टोटल रेडी करने में, एक्टिवेट करने में आपको 1 आवर का टाइम लगता है, अपडेट करने में। आफ्टर दिन हम लोग ट्रेनिंग भी दे देते हैं इसका। व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट भी है, सपोर्ट में भी लोग आ जाते हैं। और कहीं गाड़ी में आप फंसते हैं कि प्रोग्रामिंग करना हो, लॉक खोलना है गाड़ियों का, या फ्लैशिंग सिस्टम करना है, ये सारी चीजें आईडी प्रूफ कस्टमर का लेकर के हम लोग प्रॉपर तरीके से हेल्प करते हैं अपने कस्टमर को। दोस्तों ये रोजगार से रिलेटेड आइटम है, सारी गाड़ियां इसके अंदर होती हैं, लाइक मारुति है, महिंद्रा है, टाटा है, होंडा, हुंडई, निशान, फोर्ड, जितनी भी वर्ल्ड लेवल की कार से रिलेटेड 12 वोल्ट की गाड़ियां। हालांकि इन्होंने कमर्शियल 12 वोल्ट का भी कवर किया, टाटा एस, मेगा, मंत्रा, मैजिक की जितनी गाड़ियां हैं, टाटा एस गोल्ड है, इंट्रा वीटेन है, ये सारी है आपका। इसमें अशोक लेलैंड इन्होंने रिलीज करने वाले हैं और बहुत सारे भाइयों को अशोक लेलैंड मिल चुका होगा। तो फाइनली अभी वर्ल्ड जो अपना ग्लोबल मार्केट में, इंडिया लेवल में जो मार्केट है, अगर जनरली रिलीज करें तो अशोक लेलैंड अभी जनरली आया नहीं है। आप मॉल के थ्रू उसको खरीद भी सकते हैं दोस्तों। इन फ्यूचर ये आने का चांसेस है कि अशोक लेलैंड इसमें आपको फ्री में आपको रिलीज कर देगी कंपनी कुछ दिन के अंदर। दोस्तों फोर्स इंडिया की बात करें, वो ऑलरेडी इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है। और 12 वोल्ट की अगर आप डायग्नोस्टिक की काम करते हैं, अशोक लेलैंड की गाड़ियां इसमें स्कैन हो जाती हैं, बहुत सारी कमर्शियल 12 वोल्ट की गाड़ियां स्कैन हो जाती हैं। महिंद्रा की बात करें, BS6 का इन्होंने ईमो की से रिलेटेड अपडेट्स दे दिया है और फ्लैशिंग सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है। महिंद्रा लॉक हो जाती है, लॉक खोलने के फंक्शन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। महिंद्रा में रीजनरेशन DPF का काम करना हो, DPF की लाइट आ रही है, रीजनरेशन करना हो, शूट मास ज्यादा है, वो प्रोसेस इसमें सारा कंप्लीट दिया हुआ है। और टाटा की बात करें, इंट्रा V10 गोल्ड के ऊपर वो सारा रीजनरेशन प्रोसेस दिया हुआ है। आप इसके वीडियोस हमारे YouTube के चैनल पे आप टाटा एस गोल्ड का देख सकते हैं कैसे रीजनरेशन हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। और मारुति की बात करें, मारुति में टोटल काम इनमें होता है। ECM की से रिलेटेड आपको काम करना हो, चेंज करने का प्रोसेस हो, या डायग्नोस्टिक सिस्टम हो, या इंजेक्टर कोडिंग हो, ये सारा काम इन्होंने, गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का लर्निंग करनी हो, वो सारा इन्होंने अपडेट्स दिया हुआ है। ई व्हीकल की बात करें, जैसे सिट्रॉन है या निक्सॉन ई व्हीकल्स है बहुत सारे, या CNG मोड की गाड़ियां हैं जो कंपनी फिटेड आती है, उनके भी अपडेट्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। 3 ईयर का ऑनलाइन अपडेट फ्री है, यानी खुद आप अपडेट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट ये मिल जाता है कि ये अपडेट फिनिश होने के बाद ये कंपनी आपके डाउनलोडिंग प्रोसेस को बंद नहीं करती है। वर्ल्ड की ये पहली कंपनी है जो डाउनलोड करने का आपको परमिशन लाइफ टाइम देती है। और दूसरा वायरलेस की बात करें तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इनके अंदर बॉक्स में ये लोग देते क्या क्या है। तो देखेंगे, ये चार्जर है, एक्सटेंशन केबल इन्होंने दे रखा है, और ये VCI है इनका। हालांकि प्रो के वर्जन 5 की आप वीडियो हमारा देखेंगे दोस्तों, तो प्रो V5 में भी आपको सारी चीजें यही है, यही आपका VCI भी है प्रो V5 के ऊपर, और सेम डिवाइस सेम टैबलेट है, 4GB रैम के साथ, 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। तो ये है, और 8 इंच का डिस्प्ले है। ये वायरलेस, वायरलेस का मतलब कि ये कनेक्टर हमने गाड़ी में लगा दिया और ये हम कहीं भी बैठ के इसको स्कैन कर सकते हैं। सपोज 10 मीटर 20 मीटर दूर गाड़ी खड़ी है, धूप में खड़ी है, वो कर सकते हैं। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी हो जाती है। अगर यही स्कैनर केबल के थ्रू होगा तो यही स्कैनर थोड़ा सस्ता हो जाएगा आपका। तो ये सारी सिस्टम है, और इंटरफेस आपको देखने का है तो आपको लॉन्च का जो इंटरफेस है इस तरीके से देता है दोस्तों, आप देखेंगे तो इसी स्क्रीन के ऊपर ही सारी चीजें हैं। ऑटोमेटिक डायग्नोस करना है, जैसे कि ऑटो स्कैन करेंगे गाड़ी खुद रीड हो जाती है इसके अंदर। गाड़ियों की लिस्ट भी दिया है, सर्विस फंक्शन इसमें रीसेट के फंक्शन है, वो रीसेट के 38 फंक्शन है, यानी बहुत सारे रीसेट के इन्होंने फंक्शन डाला है। हालांकि प्रो सीरीज में बहुत पहले 12, 15 और 17 सर्विस फंक्शन आते थे, लेकिन उन्होंने इंप्रूव करके 32 किया, फिर 38 कर दिया अभी। तो फाइनली बात करें कि इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स, आप मॉड्यूल्स वगैरह को अटैच कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे कि इसमें आप अदर मॉड्यूल्स वगैरह टूल बॉक्स के अंदर आप जाएंगे तो इसमें जैसे आप चाहते हैं ऑसिलोस्कोप हम खरीद के मार्केट से इसमें अटैच करके चलाए तो ऑसिलोस्कोप इसके अंदर आपका अटैच हो जाएगा। वीडियो स्कोप इनका आता है, बैटरी टेस्टर आता है, बहुत सारे टेस्टर आते हैं, स्कोप बॉक्स आता है, ये सारी चीजें आपको मैं थोड़ा सा दो आइटम का, जैसे ये इनके बैटरी टेस्टर है। बैटरी टेस्टर में क्या, बैटरी का हेल्थ रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, ये अटैच इसके ऊपर कर सकते हैं। हालांकि वायरलेस होता है ये सिस्टम, ये बैटरी के ऊपर दोनों क्लिप लगाएंगे, ऑटोमेटिक बैटरी का सारा डिटेल इसमें आपको दिखेगा। और ये बहुत ही कम कॉस्ट का है, बहुत ही कम रेट का ये प्राइस है। तो आप कहीं ना कहीं बैटरी टेस्टर कोई डिवाइस आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ये खरीदे, इसी के अंदर इनका सॉफ्टवेयर रहता है।
तो बैटरी का हेल्थ रिपोर्ट है या बैटरी का चार्जिंग सिस्टम आपको देखना है या अल्टरनेटर का सिस्टम देखना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को देखना है, ये 3 स्टेप का टेस्टिंग है, वो आप इसका देख सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो स्कोप है जिसको इंडो स्कोप भी आप बोल सकते हैं। वीडियो स्कोप में बेनिफिट ये हो जाता है, ये भी एक अटैचमेंट मॉड्यूल्स है, इनके साथ में आप अटैच कर सकते हैं। हालांकि ये जो अटैचमेंट्स है आपको अलग से खरीदने की जरूरत पड़ेगी। प्रिंटर, वाईफाई प्रिंटर छोटा सा आता है, पॉकेट प्रिंटर, वो भी आप ले सकते हैं मार्केट से, इनका हमारे अवेलेबल रहते हैं सारी चीजें। तो ये वीडियो स्कोप करता क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स इंटरनली जो कंपोनेंट है वो आपको दिक्कतें करती हैं कि आप वहां तक देख नहीं पाते हैं, जैसे हेड के अंदर देखना है या कूलिंग सिस्टम कॉइल के अंदर आपको प्रॉब्लम दिख रही है या इंजेक्टर का कोड आप रीड नहीं कर पा रहे हैं अंदर, तो ये सारे क्या है कि बिल्कुल आप कैमरे के थ्रू देख सकते हैं। ये एक्चुअली इस तरीके से हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे इनका कैमरा है, तो ये क्या है कि ये बहुत ही लार्ज साइज हो जाता है। और आप जैसे कि कोई भी चीज पढ़नी है, कोई भी बारीकी से बिल्कुल छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बिल्कुल फंट साइज बिल्कुल छोटा है, उसको भी हम लोग रीड कर सकते हैं इसके स्क्रीन के अंदर दोस्तों। ये यूएसबी आपको यहाँ लगा देना है और इसके सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो पूरा कैमरे की तरह इसमें डिस्प्ले दिखेगा। अगर आप इंजेक्टर का कोड रीड करना चाहते हैं आपको यहीं से दिखेगा, आप इंजेक्टर के ऊपर कोड के ऊपर लगाएंगे सारे नंबर दिख जाएंगे और वो कोड लिख सकते हैं और इंजेक्टर कोडिंग में डाल सकते हैं। दूसरा ये कि आप हेड के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हेड में पानी है या मॉइस्चर है, मैकेनिकल फॉल्ट है गाड़ी के अंदर, गाड़ी स्कैन करने में स्कैनर से कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है, तो आप इंटरनल पार्ट को भी ये डाल के अंदर देख सकते हैं। इंजेक्टर के थ्रू अंदर से डालेंगे आपको उसके अंदर पूरा स्क्रीन इसमें दिखेगी दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें हैं ये, जहां पे आपके नजर नहीं जाते, जहां पे आपका हाथ नहीं जा सकता वो आप ले सकते हैं। और ये अलग से परचेज करना है, पुराने जो भी यूजर स्कैनर यूज कर रहे हैं लॉन्च का वो लोग भी इसको खरीद सकते हैं अलग से। हालांकि इसके जो प्राइस मार्केट में 5500 रुपीज का है और वो जो आप टेस्टर देख रहे हैं उनका भी प्राइस इसी के अप्रोक्स में ही है दोस्तों। तो ये सारे टेस्टर हैं जो आप अटैच कर सकते हैं। और लॉन्च का प्रो एसई, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो प्रो एसई के नाम से है। हालांकि मार्केट में इस स्कैनर को लोग लॉन्च प्रो वर्जन 5 के नाम से ही बेच रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों इसके जो बॉक्स की पैकिंग है वो ये ओरिजिनल पैकिंग है। ओरिजिनल पैकिंग का मतलब कि इस तरीके से इनकी पैकिंग है, फाइनल पैकिंग ऊपर से एक आती है जिसके ऊपर आपको प्रो एसई लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि ये प्रो V5 ही है, एसी का मतलब कि स्टैंडर्ड एडिशन इनका वर्जन लॉन्च किया इन्होंने कि कनेक्टर बंद कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे X431 लॉन्च प्रो V5 उन्होंने लिखवाया हुआ है। हालांकि अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उससे, बट माल वही है जो V5 लिखा हुआ है, और एसई बोल लीजिए V5 बोल लीजिए दोनों एक ही चीज है। तो फाइनली इसमें सारी चीजें आपको हमने क्लियर कर दिया दोस्तों। और फिर से एक बार नए दोस्तों को बता दें, जिनको भी अगर परचेज करने की प्लानिंग है हमारे नियर बाई ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और फिर से एक ब्रांच हमारा जो बताना चाहूंगा कि ये दिल्ली तिलक नगर में मेन ऑफिस है, आप यहां भी आ सकते हैं। या हमारा सेकेंड ऑफिस है जो HBR लेआउट बेंगलुरु के अंदर है, JSS स्कूल रोड के ऊपर। और थर्ड ब्रांच है हमारा केशवपुर कोलकाता में, और एक ब्रांच है कंकड़ बाग रोड पटना में दोस्तों। हालांकि हम लोग महाराष्ट्र के अंदर भी आने की प्लानिंग हमारी कंपनी कर रही है, हमारी कंपनी को वहां भी आपको ब्रांचेज बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ये 4 ब्रांचेज हैं, उसके नंबर आपको स्क्रीन पे फिर से मैं दे रहा हूँ, और ये नियर बाई ब्रांच पे आप विजिट करके परचेज कर सकते हैं। हालांकि हमारी कंपनी के पास बहुत सारे डिवाइसेज होती हैं, एक्सटूल के भी प्रोडक्ट होते हैं, थिंकार के भी प्रोडक्ट होते हैं, हमारे पास लॉन्च के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। पैड सीरीज की बात करें, पैड 3 ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के साथ आता है, पैड 5 ऑनलाइन प्रोग्रामिंग विद J2534 प्रोटोकॉल के साथ आता है, 2530 जिसको स्मार्ट लिंक सी के साथ अभी उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। पैड 5 पैड 7 सारे स्टॉक हमारे पास दोस्तों अवेलेबल रहता है। तो ये हमारा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो सारे कनेक्टर्स थे वो कनेक्टर अभी इंडिया में उन्होंने बंद कर दिया। इंडिया के लिए एक स्पेशल ये मॉडल निकाला जो लॉन्च प्रो के सीरीज का V5 का ही प्रोडक्ट इसके अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो V5 और लॉन्च का प्रो, ये सीरीज V5 है, उसी की अनबॉक्सिंग करके इसमें हमने दिखाया हुआ है दोस्तों। तो जो कनेक्टर के साथ जो सेट आता है और जो ये पैकिंग है, इस दोनों के
काम करने का जो फीचर्स है और जो हार्डवेयर की क्वालिटी है, हार्डवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। ऑनली जो पुरानी गाड़ियों के कनेक्टर हुआ करते थे इंडिया में यूज नहीं उस कनेक्टर का, उस कनेक्टर्स को इन्होंने बंद कर दिया। तो इससे क्या है, इसका साइज भी और वेट भी कम हो गया और प्राइस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। हालांकि प्रो जो वर्जन 5 है वो 1 लाख से ऊपर का प्राइस था, उसको इन्होंने प्राइस ड्रॉप करके 85,000 के अप्रॉक्स में लेके आ गए ये लोग। जीएसटी एक्स्ट्रा है, वो आपको हमारी ऑफिस टाइम में डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।